आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है वो MTH 403 का जो आप लोगों के पास असाइनमेंट नंबर आप लोगों के पास 1 है स्प्रिंग 2021 की, उसके सलूशन के साथ हाजिर हैं। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों के पास जो है वो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉज करें। जो आप लोगों के पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखें, आप लोगों के पास जो है वो IZ+2I = 4 है। यहाँ पर आप लोगों के पास जो z की वैल्यू है वो आप लोगों के पास है -2 -4i। ठीक है, आइए इसके अंदर ये वैल्यू को पुट करते हैं, -2 -4i। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हम लोग ने बार भी लगानी है क्योंकि इसके ऊपर भी बार थी। ठीक है, उसके बाद +2i = 4। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया -2i - 4i² + 2i = 4। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर भी बार है, अभी तक मैंने बार को सॉल्व आउट नहीं किया। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ये बन जाएगा ओवरऑल, ये बनेगा ये और ये तो कट जाएगा, ये बचेगा -4i² ऊपर बार = 4। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है कि -1 होती है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे -1 जो है वो पुट करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो देन फिर जो है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि ये 4 जो है ये अब कटिंग हो जाएगी, 4/4 जो है आप लोगों के पास ये हो जाएगा। आगे हमने क्या करना है, अगर मैं इसको अब सॉल्व भी करूं इसको तो इसका कोई नहीं बचता, तो आंसर हमारे पास आ गया 4 = 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हमारे पास इसका जो है वो रियल पार्ट क्या था, इसका जो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये था जहाँ आयोटा होता है, और रियल पार्ट ये था जहाँ पे आयोटा नहीं होता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ तक सॉल्व आउट होता है। आज जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास जो cos z है वो मेरे पास है EIZ + E - IZ/2, और जो मेरे पास sin z है, मतलब कि जो मेरे पास sin z है वो मेरे पास आता है जी EIZ + E - IZ/2i। ठीक है, अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी बनती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हमारा ये बनता है कि हम लोग लिखें इनको इकट्ठा, मतलब कि EIZ + E - IZ/2 और इसी तरह EIZ + E - IZ/2i। ठीक है, ये हो गया। देन फिर आगे चलते हैं, आगे हम लोगों ने क्या करना है, मैंने 1/4 यहाँ से जो है वो बाहर निकाल लिया, मतलब कि 1/ ये 2 को करके 4, और अंदर मेरे पास जो वैल्यू बची है उसका जो है मैंने इसको भी मैंने ओपन कर लिया, ये मेरे पास बन गया EIZ² + EIZ² ये माइनस वाला, ये जेड है ध्यान रखिएगा, उसके बाद 2EIZ, उसके बाद .E - IZ, फिर प्लस होगा IOTA² EIZ² + E - IZ² - 2EIZ. ठीक है, ये हमारे पास जो है ना ये बनता है। अच्छा, अब जी स्टूडेंट हम आगे इसको जो है वो इसको फटाफट ख़त्म करते हैं कि इसको अब हमने सॉल्व आउट कैसे करना है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से जो है देखूँ तो मेरे पास जो है वो कुछ कटिंग्स वगैरह होती हैं। ठीक है, इसको अच्छा मैंने कुछ भी नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ ये माइनस जो है ना -1 लगाया जो मेरे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, और ये वैल्यू मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट आगे बनेगा 1/4, ये वाला सेम एज इट इज़ आएगा EIZ² + E - IZ² + 2, ये बिल्कुल EIZ + EIZ, और इसके बाद जो है वो ये मेरे पास जो है ये वाली जो मेरे पास वैल्यू आती है राउंड अबाउट, इसको जो है मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगा
कि माइनस ई माइनस आई जेड का स्क्वायर माइनस टू ई आई जेड डॉट ई माइनस आई जेड, ठीक है, ये हो गया। देन इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस वाला ही आएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद वाला स्टेप अगर आप छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद जब आप इसको ओपन करके इवेलुएट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा ई आई जेड का स्क्वायर डॉट ई आई जेड प्लस टू ई आई जेड और उसके बाद जो है वो टू ई आई जेड और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बनेगा ये डॉट ई आई जेड, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास वन ओवर फोर, तो ये ऐसे ही हो जाएगा ई आई जेड डॉट ई माइनस आई जेड, ठीक है, ये जेड है, ध्यान रखिएगा। देन फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। देन फिर आगे जो है वो अगर हम इन दोनों को आपस में करें तो ये बनेगा वन ओवर फोर ई आई जेड माइनस आई जेड, ठीक है। फिर जो है वो इनकी जो है वो कटिंग हो जाएगी, ये आपके पास जो है वो वन ओवर फोर जो है यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा, मैंने यहाँ पे फोर से इसको मल्टीप्लाई भी किया बोथ साइड पे, मतलब कि यहाँ ज़ीरो है, यहाँ भी फोर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी फोर से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने क्यों किया, ताकि मेरे पास इसकी जो है वो कटिंग हो जाए, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो बचा, अब मेरे पास जो है वो बच्चा जी इसकी कटिंग खैर अभी नहीं करते, इसकी कटिंग अभी आप लोग ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन चले कोई भी नहीं, अगर कर भी नहीं तो इसका आंसर जो है वो बनना है। ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।